Assalamu alaikum, I hope you are in good health. If you are new in our channel, then like, share and subscribe to my channel. Tradebird is so amazing and please subscribe my channel. And please watch the full video. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, My Recipe Box. Aaj hum banane ja rahe hain bread snacks. और इसमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है इनमें हम लेंगे सबसे ब्रेड लेंगे, चिकन लेंगे जिसको मैंने होममेड मसाले से फ्राई किया है, और आप इसकी जगह अगर आपके पास होममेड मसाला आपने नहीं बनाया हो तो अगर इसके आप तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ मायोनीज़ इसके लिए ज़रूरी है। मायोनीज़ में मैं वन पिंच सॉल्ट और वन पिंच ब्लैक पेपर इसमें ऐड करूंगी। और वन पिंच मैं इसमें सॉल्ट ऐड की। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ठीक है साइड वेजिटेबल में मैंने लिए टमाटर और कैप्सिकम। अगर आपके पास कलरफुल कैप्सिकम है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे ग्रीन मिली है तो मैंने ग्रीन लिया है। और साथ फ्रूट कोई भी आपके पास जो भी आप अवेलेबल है, आप मैंने मैंगो लिया है। साथ पार्सले, लेकिन मुझे पार्सले नहीं मिला था इसलिए मैंने फ्रेश कोरिएंडर ले लिया है। तो अब ब्रेड लेंगे, ये लॉन्ग ब्रेड होती है ये मैंने वो ली है। तो इसके मायोनीज में पहले इसके ऊपर मायोनीज इसके से लगाऊंगी। हम देखिए इसे फ्रेश कोरिएंडर, साथ ही मैं चिकन जो है साथ ही वो रखती जाऊँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आप चाय के साथ लें या ड्रिंक कोई भी फ्रेश ड्रिंक लें उसके साथ लें। मैं इसके साथ आपको फ्रेश ड्रिंक बना कर दिखाऊँगी। मैंने मैंगो इसके साथ मैं लिया, मुझे अच्छा ये लग रहा था। कलरफुल देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, फोर कलर लग रहे हैं, चिकन का, टमाटर, कैप्सिकम और मैंगो, ग्रीन, येलो और रेड, और ये गोल्डन से कलर चिकन का आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे पार्सले नहीं मिला था, पार्सले की ज़रा खुशबू ज़रा ज़्यादा होती है फ्रेश कोरिएंडर से, लेकिन दोनों तकरीबन एक चीज़ ही हैं। साथ ही हम मैंगो का शेक बनाएंगे, मिल्क शेक बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त वो भी। आप बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, आप बच्चों की छोटी मोटी पार्टी हो, कोई भी छोटा सा फंक्शन हो तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें अरेंज करें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। चाहे आप लंच बॉक्स में भी इस तरीके से चीज़ें दे सकते हैं। अब मैं ये मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। इसमें फुल फैट मिल्क लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर में जो फ्रेश दूध होता है और फ्रेश बलाई साथ वो आप इसके अंदर ऐड करें। साथ मैंने वन टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड की है और मैंगो ऐड की है। मैं इसको शेक करूँगी। और अच्छे से ग्राइंड हो रहा है और हमारा का शेक भी तैयार हो गया। और ये देखिए कितना स्मूथीस है,
बहुत ही ज़बरदस्त हमारी थोड़ी सी ना आपको शेक डालते हुए रेसिपी वो वीडियो में शो हो गई थी, देखिए बहुत ज़बरदस्त बना हमारा, बहुत थिक सा बनता है इस तरीके से ना, फुल फैट जो दूध होता है ना, अगर आप बलाई ऐड करें फ्रेश वो तो घर की है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो और थोड़े से आइस क्यूब्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। साथ देखें ये ब्रेड स्नैक्स हो गए और साथ ही मेरा मिल्क शेक हुआ, तो बहुत ही ज़बरदस्त है।